हमारा नाम ईश्वर चंद चौधरी है, मेरे साथ में ये इरशाद जिलानी, इसने जो है मेरे नाम का फर्जी आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट बना करके और मेरा रूम जो है 22 लाख में इसने बेच दिया दूसरे को हाथ से। अब मैं पुलिस में कंप्लेन किया तो पुलिस वाले मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा यही कहना है कि हमको जो है हमारा रूम मिल जाए, आप लोग से यही निवेदन है मेरा। हमारे ये जो पुलिस वाले हैं ये लोग इसको अरेस्ट करके और इसको चौकी में डाल दिए हैं और उनको सजा मिल जानी चाहिए। ये घटना कब घटी और ये आपको कैसे पता चला? ये हमको 2020 में मैं गांव था तो इसने जब ये फर्जी बनाया तो वहाँ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी मेरे पास आए हाँ और पूछे मेरे से कि तुम रूम बेच दिए हो, तो मैं बोला रूम नहीं बेचा हूँ, तो बोले तुम्हारा रूम जो है बिक गया है। तो हमने जो है बोला भाई हमको कैसा न्याय मिलेगा, तो बोले हमारे नाम से तुम ओ ये क्या बोलते पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। तो हमने जो है सेक्रेटरी और अध्यक्ष को हमने कंप्लेन किया तो वो लोग जो है चौकी में कंप्लेन किए, तो उससे तब से हमको मालूम पड़ा ये, तो वो लोग भी हमारे सहायता किए हमारे साथ में पूरा। और मैं न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी से सावधान होकर रहना और ऐसा जालसाजी और किसी के साथ में ये ना करें, इससे बच के रहना।